वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह हो चुकी है और आज मेरे भाई का बर्थडे। आपको बता दूं काफी वर्षों पश्चात। अबे साले मेरा मतलब है काफी वर्षों के बाद अपने बर्थडे पर वो घर पर प्रेजेंट है। तो हम सब ने मिलकर के भाई के लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान किया है। देखते हैं जैसा सोचा है वैसा हो पाता है या नहीं। तो चलिए बिना कुछ सोचे समझे अपना अपना समय बर्बाद करते हैं। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, फैसलों पर कम ध्यान देना है, अपनी जड़ाओं को बांध लेना है, और अगर आप मेरी तरह अंधे हैं तो चश्मा लगा लेना है। तो ये है बलून्स। नाम तो सुना ही होगा और देखा भी होगा। तो इसमें हम अपने शरीर की हवा त्याग देने वाले हैं मुंह से, और ये है मकड़ी के जाल जैसे दिखने वाली चमकीली सी झल्लर बल्लर करने वाली देसी भाषा में झालर, और अंग्रेजी में इसे शाइनी शिमर फॉइल कर्टेंस भी कहते हैं। और ये है हैप्पी बर्थडे वाला बैनर। तो बच्चों सबसे पहले क्या आता है? ए, वेरी गुड। फिर क्या आता है? बी। और ये है हवा भरने वाले यंत्र जिनकी हेल्प से हम अभी बलून्स और बर्थडे बैनर में हवा भरेंगे। ये है छिद्र जहाँ से हम इस हवा भरने वाले यंत्र को अंदर डालकर अपने शरीर की हवा त्याग देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसके फूलते ही इसका असली रूप दिख जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लोगों का गुस्से में असली रूप दिख जाता है। अरे अच्छे अच्छों का दिख जाता है, फिर ये क्या चीज है? इससे मुझे एक चीज याद आई है कि इसमें लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद वाले लोगों की स्टोरी नजर आ रही है। देखिए ये लॉकडाउन के बाद वाला है। अफसोस तो ये है कि मैं जैसी थी वैसी रह गई। तो इस वॉल का 50% काम हो गया है। तो अब आती है बलून्स की बारी। तो सबसे पहले आपको हवा भरने वाले यंत्रों का इस्तेमाल करते हुए अपने शरीर की हवा को बलून्स में त्याग देना है। इन्हें इतना ही फुलाना है जितना आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ आपसे गुस्सा होते वक्त अपना फुलाते हैं। अरे गाल यार। और यहां मेरे शरीर की हवा समाप्त होती हुई मजबूरन मुझे इस यंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो जरा मैं भी चेक कर लेती हूँ कि मेरे होने वाले पति के गुस्से में कितने फूलते होंगे। गाल यार। फुला दिया तुझे के अलविदा। ये क्या इतना बेसरा था? कैसे भी करके इतने हो पाए भाई मुझसे। हो भाई, मारो मुझे मारो। देखो भाई मैंने हार नहीं मानी है, जितने फूले मुझसे उतनी बारी बारी से चिपका दिए। क्या बेवकूफी बोल रही हूँ यार मैं। भाई जितने फूलेंगे उतने ही तो चिपकाएंगे, मतलब कुछ भी बकवास करूंगी मैं। अब ना केक वाले टेबल को थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं रोज पेटल्स से। रोज पेटल से बोलना तक आ नहीं रहा, रोज पेटल से डेकोरेट करेंगे। हट। तो भाई जो लोग इन पेटल्स को देख करके परेशान हो रहे, कह रहे हैं यार इतना बर्बाद कर दिया, तो मैं आप लोग को बताती हूँ मैं कंजूस भी हूँ, थोड़ा बहुत क्रिएटिव भी हूँ। कहीं से सुना था शायद, सीधी बात नो बकवास, रीयूज करूंगी। तो ये केक वाला टेबल रेडी हो गया है, कुछ कैंडल्स हम लोगों ने घर पे बनाई है वो भी रखेंगे इसमें, और केक रखेंगे। तो भाई की एंट्री के पहले आप लोग को एक बार दर्शन करा देती हूँ।